हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने पहले एलिजिबिलिटी वगैरह का तो वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम जो है फाइनली फॉर्म फिल करने वाले हैं कि आपको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे आपको चॉइसेस फिलिंग करनी है। तो लास्ट तक प्रिंट आउट तक निकालेंगे हम, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना यार। यहाँ पर सिंपल डिटेल दी गई है, जैसा कि मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, जैसा कि मेरा नाम कमल है, ठीक है, एंड माई फादर्स नेम डाल देता हूँ, ओके, एंड जस्ट मदर्स नेम डाल देता हूँ, ठीक है। देन गार्जियन नाम डाल देता हूँ, ठीक है। देन डेट ऑफ बर्थ डालेंगे हम, जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 दिसंबर 2003, ओके। सो नीचे पढ़ेंगे, जैसे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल, नेशनलिटी इंडियन, ठीक है। आइडेंटिटी जैसे मैं लगा देता हूँ, स्पेशली यार आप लोग क्या लगाएं, आप लोग आधार कार्ड ट्राई कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, पासपोर्ट, स्कूल आईडी भी लगा सकते हो आप, एडमिट कार्ड वगैरह। लेकिन हमारे पास सबसे अच्छा रहता है आधार कार्ड, ठीक है। तो जस्ट आधार कार्ड में लगा देता हूँ, ओके। सो अब हम लगाएंगे एड्रेस, ठीक है। तो माई एड्रेस इज, सिविल एविनेशन क्लब, इंडियन एयरफोर्स, पटियाला, ठीक है। सब लोकेलिटी में क्या डालेंगे हम, पटियाला डाल देंगे, इंटर लोकेलिटी में भी पटियाला डाल देंगे, कंट्री क्या डालें, कंट्री इंडिया ही है हमारी, ठीक है। देन स्टेट डालेंगे, अब हम स्टेट पंजाब डाल देते हैं, बेसिकली आई एम फ्रॉम राजस्थान, पंजाब में पटियाला, पिन कोड डाल देते हैं पटियाला का। देन ईमेल एड्रेस डालेंगे, मोबाइल नंबर डाल ही दिया, ठीक है। ओके, सो देन उसके बाद मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे हम, अल्टरनेटिव हमारे पास है नहीं कुछ, यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे अगर सेम एड्रेस है तो, ठीक है। देन अब हमें जो पासवर्ड सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं पासवर्ड कर लेता हूँ सेलेक्ट, जैसे कि मैंने कर लिया पटियाला @1, ठीक है। तो नीचे भी सेम डालेंगे आप, पटियाला @1, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, विच योर फेवरेट बुक, मेरी फेवरेट बुक कौन सी है, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स डाल दूंगा, ठीक है। देन अब मैं पिन डालूंगा यहाँ पे, पिन जैसा कि मेरे को दिख रहा है AUAATOP, राइट। तो अब सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। सो यार फॉर्म बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, सारी की सारी डिटेल मैच कर लेनी है, जैसे कि OTP भी आ रहा है इस बार, तो यार इतने साल तो नहीं आता था, OTP भी डालना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। सो गाइस, OTP आया है मेरे नंबर पे, ठीक है। तो OTP डालता हूँ मैं, 9119 29। अब मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा, JEOISAF, ओके, देन सबमिट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब मुझे कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, मेरी जो एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो चुकी है अभी, ठीक है। अब जस्ट और भी डिटेल्स मांग रहा है यार, मैं अब थोड़ा फिल कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं प्योज करके फिल करता हूँ, देन आपको तुमको मैं बताता हूँ। यार आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कैटेगरी, तो आप अपनी कैटेगरी जरूर सेलेक्ट करें। जैसे मैं OBC से हूँ, तो OBC देन नो, ठीक है, मैं नो हूँ। तो यार यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, जैसे कि आपको बता देता हूँ, और तो सिंपल है, जैसे मैंने ये सिंपल डाल दी, डोमेसाइल स्टेट पंजाब,
आर यू ए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया आर यू ए ट्विन, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि ट्विन क्या होता है यार। जैसे मैं हूँ, अगर मेरा सेम टू सेम सेम डे बर्थ हुआ हो, या फिर मतलब मेरी मम्मा के हम दो अगर जुड़वा बच्चे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्विन, ठीक है। तो उसकी भी आपको डिटेल डालनी होती है कि वो कहाँ पे पढ़ रहा है, क्या है, तुम्हारी बहन है, भाई है, क्या है, ठीक है। तो आपका भी कोई ट्विन भाई हो, इनकी जुड़वा भाई बहन हो, तो आप उसकी डिटेल डाल सकते हो। देन जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि जो है मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाई एग्जामिनेशन, जैसे कि अगर आप एग्जाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हो, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ पे दी गई है, तो आप इन सब में सेलेक्ट कर सकते हो कोई सा भी, जो भी आपको पसंद हो। देन इसके बाद एड्रेस सिंपल आ गया है। देन ये पूछ रहा है कि आप जो है आर यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, कि आप बहुत गरीब है, तो मैं यस कर दूंगा, ठीक है। देन कश्मीरी माइग्रेंट नो, ठीक है। देन सर्विस मैन अगर आप है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और एनसीसी कोटा अगर आपके पास है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, स्पोर्ट कोटा आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप है तो, आर यू वार्ड ऑफ एम्प्लॉय नो, ठीक है। तो जैसे इस प्रकार से कर सकते हो, देन सेव पे क्लिक करेंगे। देन जो है मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा, प्रोसीड फॉर नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। एंड जस्ट लाइक यहाँ पे जो है 10th की डिटेल डालनी है, 12th की डिटेल डालनी है, तो वो डालते हैं अभी। ओके, जैसा कि यहाँ पे 10th क्लास दिया गया, तो 10th में पास हो चुका हूँ बहुत सालों पहले, पास ईयर जैसे कि मैं 2018 में पास हुआ हूँ। देन क्वालिफाई एग्जामिनेशन 10th, पासिंग ऑफ स्कूल जैसे कि मैं रूरल से था, टाइप्स ऑफ स्कूल जैसे कि मेरा प्राइवेट थी, ठीक है। देन जो है हम डाल देते हैं एग्जामिनेशन सिटी इंडिया, क्वालिफाई स्टेट, तो आपने कहाँ से 12th पास किया था, 10th पास किया था, देन डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट भी डाल देंगे, सॉरी मैं राजस्थान से किया था, ठीक है, तो मैं राजस्थान डालूंगा, राजस्थान। देन डिस्ट्रिक्ट क्या था मेरा, सीकर, ओके, सीकर कहाँ भाई मेरा, सीकर, तो ये मेरा सीकर है, ये मेरा बोर्ड था, राजस्थान बोर्ड यार। सो यार मैंने डिटेल डाल दी, जैसा कि मैं राजस्थान सीकर से हूँ, सेकावटी स्कूल लोसल में पढ़ा हूँ। देन मेरे 10th की डिटेल मैंने डाल दी है, अब अपन 12th की डिटेल डाल देते हैं। जैसे बहुत, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही कि भैया हमारे तो 10th का भी एग्जाम ही नहीं लगा, 12th का सॉरी, तो 12th वाले क्या करें जिनका एग्जाम नहीं लगा है, जिनका रिजल्ट आ चुका है बिहार वालों का, वो यहाँ पे पास सेलेक्ट कर देंगे। जो अपियरिंग है, अपियरिंग का मतलब रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो, देन सिंपल हो जाएगा ये, ठीक है। देन आपसे मार्क्स नहीं मांगा जाएगा, ओके। या जिन बच्चों के रोल नंबर अभी आ चुके हैं वो यहाँ पे रोल नंबर डाल सकते हैं, ऑलमोस्ट लोगों के आ गए। जिनके नहीं आए हैं वो जो है यहाँ पे कुछ भी रेंडमली डाल सकते हैं, जब आपको करेक्शन मौका दिया जाए तो आप वहाँ पे सही कर देना, ठीक है, करेक्शन का मौका मिलेगा तुमको। देन आगे जो हम सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है, सेव पे क्लिक करने के बाद हमको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ओके सॉरी, ठीक है, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे फिर हम, ओके। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमें जो है यूनिवर्सिटियां सेलेक्ट करनी है, ठीक है, जैसे कि मैं किस किस में इंटरेस्ट हूँ रखता हूँ, ठीक है। तो जस्ट लाइक मैं यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करूंगा, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ओके, सो उसका कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए मुझे, ओके, सो आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट दे रखे होंगे। अब यार बहुत सारे बच्चों को यह क्वारी है कि भैया हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेस्ट नहीं है, हम कौन से में जाएं, हमारा किस में हो जाएगा, हम इतने इंटेलिजेंट है, हमारी ये मार्क्स आ रहे हैं। इसके लिए यार आप हम हमारे कंसल्टेंट से बात कर सकते हो, यानी कि हमारी प्राइम मेंबरशिप प्लान ले सकते हो, जिसके अंदर जो है अभी इसमें क्या होगा ना कि आप लोग यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट कर दोगे, आपके उतने मार्क्स आएंगे नहीं, आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा नहीं, फिर मतलब सारा का सारा सीन ही खराब हो जाएगा, आपका लाइफ मतलब आपका जो है बर्बाद हो जाएगा पूरा का पूरा साल, फिर से दूसरे साल प्रिपरेशन करोगे। इससे अच्छा आप हमारी जो है टीम से कांटेक्ट कर लो, जो भी नीचे गूगल फॉर्म वगैरह दिया गया है, फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो हमारी टीम आपको बताएगी, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे मैं फिल करता हूँ कौन कौन से मैं देता, मेरे को जो भी अच्छे लगते हैं, ठीक है। सो यार बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना था कि भैया जो है कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बीटेक प्रोवाइड करती है, तो यार दो यूनिवर्सिटी आपके पास अभी अवेलेबल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा और कर्नाटका, जहाँ पे आप जो है कर सकते हो। पहले यहाँ पे जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो वो सेलेक्ट करोगे, जैसे असम यूनिवर्सिटी, इसमें आपको कौन सा प्रोग्राम में इंटरेस्ट है, जैसे मैं ये कर लेता हूँ, देन एडिट पे क्लिक कर दोगे, एडिट हो जाएगा, जैसे मैंने इतनी एडिट कर ली ऐसे, देन आपको इस पे क्लिक करना है एंड जस्ट आगे बढ़ जाओगे तुम लोग। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इतनी सारी मैंने सेलेक्ट कर ली है, देन प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा मैं, जो है आपको यहाँ पे जो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होगी। यहाँ पे जैसे मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया, देन फर्स्ट में यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैं किसको किस में मेरा इंटरेस्ट है, जैसे कि केमिस्ट्री है, देन जो है डोमेन सेकंड में सेलेक्ट करूंगा, डोमेन सेकंड में हिस्ट्री जैसे मैंने सेलेक्ट कर ली, जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसके हिसाब से आप जो है लगा सकते हो, ठीक है। और इस प्रकार से आप इसको जो है क्लिक करके जो भी है, आप अदर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी टीममेट से कॉन्टेक्ट कर